B2 यहाँ पे माइनस डालना है या आपका फिर
ए टू बी वन, यानी यह आपका हो जाएगा ए टू बी वन हो जाएगा। क्या हो गया इसके बाद, क्या कर लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब देखिए या इसके बराबर या इसके बराबर, तो पहला क्या कर लो, ए और सी और बी और सी दो पार, एक बार ए और सी और एक बार बी और सी। कभी भी ए और बी मत लेना, कभी भी ए और बी नहीं लेंगे। क्या लेंगे, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट लेना है, ना कि वेरिएबल वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यह आपका बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू ए टू बी वन, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यह पार्ट इधर चला गया, यानी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन होल अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, या एक दूसरा बी एंड सी से, फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से क्या हो जाएगा, वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। और यह क्या हो गया, वाई इक्वल टू अपना सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन होल अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इस तरह से x का वैल्यू भी निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। अब जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और उस तरीके से एग्जाम्पल देख के देखते हैं कि यह किस तरह से बनेगा। और यह बहुत इजी ट्रिक है, और जितना भी कंपटीशन है कंपटीशन में इसी ट्रिक का यूज होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह एग्जाम्पल है कि इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x-3y, 2x-3y प्लस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका दिया हुआ है कि 3x-2y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x अपॉन करते हैं तो ये वो y का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी -3 इनटू 12, ये आपका कितना हो गया, -30 से क्या माइनस डालना ही है, फिर यह क्या हो जाएगा, -2 इनटू 13 -26 इक्वल्स टू y अपॉन y तो छोड़ेंगे, या 13 इनटू 3 या 39 हो गया, माइनस डालेंगे फिर या 12 इनटू 2 24 इक्वल्स टू वन अपॉन करते हैं, इसको छोड़ेंगे, टू इंटू -2 -4 हो गया, माइनस डाले और -3 इंटू 3 -9 यह आपका हो गया एक्स अपॉन -36 प्लस 26 इक्वल टू वाई अपॉन 39 -24 करेंगे, यह आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड यह आपका -4 प्लस 9 हो जाएगा, यह आपका कितना हुआ, x अपॉन इसको करेंगे तो -10 इक्वल टू y अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 5, या a या b और यह आपका c, फ्रॉम a एंड b, a और b से हम लोग लेते हैं, a एंड c से लेते हैं, तो दिस और दिस, x अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन 5, यह हो गया x इक्वल टू -10 अपॉन 5, या 5 टू 10 यानी -2 हो गया। उसके बाद फ्रॉम हम लोग क्या लेंगे, b and c से लेते हैं, तो y अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 5, यह आपका हो गया y इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 टू 3 का 15 होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू आपका 3। इस तरह से हम लोग इजी वे में इसको बना सकते हैं।
अब जो है हम लोग या तो चारों मेथड कंप्लीट हो गया, अब वन बाय वन करके थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे और एक ही एग्जांपल लेंगे और उसमें से ही चारों को का हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि वह सही है या गलत है और इसी को हम लोग चारों मेथड के तहत उसको हम लोग देखते समझेंगे कि क्या कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, वह है आपका कि 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 4। चप्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका कितना है, वह 4 है। एंड x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू आपका 0। यह आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में, ठीक है। इसको अरेंज कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड पे, अरेंज करेंगे LHS LHS के तरफ केवल वेरिएबल वाला को रखेंगे और RHS के तरफ कॉन्स्टेंट टर्म वाले को, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा और यह आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका माइनस 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट इनटू जो x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस सेकंड इनटू जो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इनटू 2 कर लेंगे और यह आपका v इन, यानी कि यह आपका वन से मल्टीप्लाई किया है तो सेम रह जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, या 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 2 माइनस 2y हो गया इक्वल टू माइनस 6 हो गया। अब माइनस कर रहे हैं, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और या भी माइनस है तो प्लस हो गया, या तो आपका कैंसिल हो गया, 3 और 2 5y हो गया और या आपका 6 4 10 हो गया। इससे इंप्लाइज किया y इक्वल टू 10 अपॉन 5 यानी कि 2। यह 2 वैल्यू जो है फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y में पुट करते हैं। तो जब y में पुट करते हैं वी गेट, तो क्या होता है वह देखिए, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू आपका 4। दैट मीन्स 2x इक्वल टू कितना, 4 माइनस 3 टू या 6 या प्लस है इधर आके माइनस, यानी कि x इक्वल टू आपका हो गया माइनस 2 अपॉन 2 यानी यह माइनस 1। यानी आंसर क्या हो गया आपका, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू आपका 2। यह तो था एलिमिनेशन मेथड था। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना, जो इक्वेशन दिया हुआ है वह चीज हम लोग को लिख लेना। चलिए लिख लेते हैं, यह आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट ले लिए और इसको सेकंड ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3y, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 3y अपॉन यह 2 हो गया, या x का वैल्यू क्योंकि फर्स्ट से लिया है इसलिए सेकंड में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आपका सेकंड वी गेट, तो क्या पाते हैं, देखिए आप क्या पाते हैं, तो x के बदले यह तो 4 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यह कॉन्स्टेंट टर्म है, उधर चला जाएगा और इस दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, इस दोनों में LCM आपका 2 हो जाएगा, LCM 2 ले लिए, यह आपका 4 माइनस 3y हो गया माइनस 2y इक्वल टू आपका माइनस 3, यह 2 इधर चला गया 6 हो गया माइनस 6 यानी कि 4 माइनस और यह 3 टू 5 हो गया माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। दैट इंप्लाइज यह कितना हो गया, यह माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6
माइनस सिक्स माइनस फोर या कितना माइनस टेन, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया माइनस टेन, माइनस माइनस आपका कैंसिल भी हो गया, यानी टेन अपॉन फाइव यानी आपका टू, y के बदले टू निकला। और यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू कितना होगा फोर माइनस थ्री इंटू वाई के बदले टू अपॉन आपका टू, यानी फोर माइनस सिक्स अपॉन टू यानी माइनस टू अपॉन टू यानी माइनस वन। आंसर क्या आ गया आपका x इक्वल टू आपका माइनस वन एंड y इक्वल टू टू, सेम आंसर एलिमिनेशन से भी और यह सब्स्टिट्यूशन से भी। अब जो है इसी को हम लोग ग्राफ मेथड से देखेंगे कि ग्राफ मेथड में से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चार मेथड कैसा भी हो आंसर वही आएगा x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू आपका टू आएगा। इधर आने नहीं जरूरत है, अब जो है कि हम लोग क्या लेते हैं इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दैट मींस 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 3y, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू आपका 4 माइनस 3y अपॉन आपका 2 हो गया। यहाँ पे यह स्क्वायर बनाएंगे, इसमें तीन वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, तीन वैल्यू ही लेना, दो वैल्यू मत लीजिए, वैसे दो वैल्यू भी बन जाएगा लेकिन तीन वैल्यू लेने से वो एक एग्जैक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा और कहाँ आप गलत हो वह भी आप लोग को पता चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आप सही हो, ठीक है, अगर आप गलत हो तो तीन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आराम से बन जाएगा, अगर गलत हो तो नहीं बनेगा, सही हो तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग x लेते हैं, हम जानते हैं वाई, वाई का वैल्यू अगर पुट करते हैं वन क्या फ्रैक्शन, क्या बोले हैं फ्रैक्शन में भी बनेगा लेकिन आप लोग ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो कि इंटीजर फॉर्म आए और छोटा वैल्यू आए, ठीक है, इससे वह डिनोटेशन करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जीरो रखते हैं, y इक्वल टू जीरो, यह तो जीरो गया, फोर अपॉन टू कितना होता है एक, यह हो गया। दूसरा यह हम लोग लेते हैं कि वाई के बदले अगर हम लोग टू वैल्यू लेते हैं, वाई के बदले कितना लेते हैं टू वैल्यू, क्या देखिए वाई के बदले टू लिए कितना हुआ टू थ्री या सिक्स, फोर माइनस सिक्स आपका हो जाएगा तो माइनस टू पॉइंट टू या आपका कितना हो गया माइनस वन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम लोग फोर वैल्यू लेते हैं, वाई इक्वल टू फोर, फोर थ्री या कितना होता है माइनस वाई इधर आके प्लस वाई या माइनस थ्री, ठीक है। अब जो है एक्स के बदले वही हम लोग यह बनाएंगे, इसमें वही तीन वैल्यू फिर से हम लोग लेने वाले हैं, या एक्स और या वाई, ठीक है। एक्स के बदले वाई के बदले अगर जीरो लेते हैं तो एक्स के बदले माइनस थ्री हो जाएगा एक वैल्यू, अब वाई के बदले अगर टू लेते हैं तो टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई के बदले हम लोग वन लेते हैं या कितना हो जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक ग्राफ को इंडिकेट करेंगे और उसी ग्राफ के तहत हम लोग क्या कर लेंगे उसको बना लेंगे, या वन या टू हो गया या थ्री हो गया, वन टू थ्री या कभी वन टू थ्री वन वाई हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। फर्स्ट इक्वेशन का जो यह चार्ट है इस चार्ट से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। पहला क्या है एक्स टू है, एक्स आपका टू, वाई जीरो आपका एक पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है एक्स वाई
वन है, एक्स जो है माइनस वन है और वाई आपका टू है, या दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है थोड़ा सा यहाँ और नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स आपका माइनस फोर, यहाँ एक और पॉइंट माइनस फोर, वाई आपका फोर, यह इसके सीधे सुपर। और इसको अगर हम लोग मिलाएंगे ये आपका मिल गया, यह लाइन जो इंडिकेट हुआ इक्वेशन फर्स्ट का, यह लाइन आपका हो गया। यह लाइन का नाम लिख देंगे, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 4, या जो लिए हैं 20 ले लिए हैं, या जो लिए हैं माइनस 1 आपका 2 लिए हैं, और या जो लिए हैं माइनस 4 और 4 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 है, प्लस 4 नहीं है, माइनस 4 है। अब इक्वेशन सेकंड, या दूसरा जो चार्ट है, इस चार्ट के तहत इस इक्वेशन को ड्रा करते हैं। पहला क्या है, x इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा आपका x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 2, दूसरा पॉइंट यह हो गया। तीसरा है x जो है माइनस 2 है, y इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। यह जो लाइन है आपका x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यह लाइन को ड्रॉ कर लिए, इसका पॉइंट 3-0 हो गया है, और एक पॉइंट और था माइनस 2-1, यह पॉइंट, ठीक है। और यह तो आपका दिया, यह पे देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट इंटर ए। अब जो है कि दोनों लाइन जो है वह इंटरसेक्ट हो रहा किस पॉइंट पे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, तो और एक का क्वाड्रेंट कितना है, माइनस वन टू, जिसे इंप्लाइज किया एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड y इक्वल टू आपका, इस तरह से आपका क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, या जो है कि इस तरह से हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। माइनस माइनस